KGF 1 फिल्म की रिलीजिंग के बाद दर्शक बड़ी ही बेसब्री से फिल्म के दूसरे चैप्टर का इंतजार कर रहे थे। इसी इंतजार को और ना बढ़ाते हुए फिल्म के मेकर्स ने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि फिल्म के हीरो रॉकी स्टार यश के जन्मदिन यानी 8 जनवरी को KGF 2 का टीजर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने सभी को सरप्राइज देते हुए टीजर को एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया। मेकर्स ने 7 जनवरी को रात 9:29 पर होमबिल फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर टीजर जारी कर दिया है, जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है। दर्शकों को तो फिल्म का टीजर बहुत पसंद आया है। सभी टीजर पर अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। केवल दर्शक ही नहीं बल्कि टीवी के कई मशहूर कलाकारों ने भी टीजर देखा और उस पर अपना रिएक्शन दिया। टीवी स्टार को टीजर पसंद आया तो वहीं किसी टीवी स्टार को टीजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने टीजर पर काफी नकारात्मकता से बोला। अब इस लिस्ट में टीवी का एक मशहूर एक्टर गुरमीत चौधरी का नाम भी शुमार हो गया है, जिन्होंने KGF 2 का टीजर देखा और देखकर टीजर के बारे में कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जिससे कि सभी काफी हैरान रह गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या बोला है गुरमीत ने KGF 2 पर, आइए जानते हैं। असल गुरमीत चौधरी ने मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि भाई क्या टीजर है फिल्म का, जब टीजर ही इतना धमाकेदार है तो फिल्म कितनी जबरदस्त होगी। रवीना टंडन रमिका सेन के किरदार में कितनी जबरदस्त लग रही है, पर संजय दत्त का लुक वाकई में बहुत डरावना है। मैं तो उन्हें इस लुक में देखकर वाकई में डर गया। सभी स्टार्स अपने अपने किरदार में एकदम जबरदस्त लग रहे हैं, मगर रॉकिंग स्टार यश की बात की जाए तो वो बिल्कुल अलग हैं। वो अपनी गरम गन से सिगरेट जलाते हैं, उस सीन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और अब टीजर देखने के बाद तो मैं फिल्म को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। बस अब जल्दी से फिल्म आ जाए क्योंकि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा फिल्म के लिए। तो दोस्तों KGF 2 के टीजर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।